आप देख रहे हैं पावर ऑफ जन अधिकार न्यूज, देश की हकीकत आपकी आवाज। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं हरीश चंद अग्रवाल, अध्यक्ष लखनऊ मेटल मर्चेंट एसोसिएशन। अच्छा, ये आज किस तरह का ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, और अभी सैनिटाइज दुकानें खुली हैं, तो किस तरह से मार्केट खुलने के आदेश दिए गए हैं, किस तरह से आप लोग मार्केट को सैनिटाइज करा के खुलवाएंगे या ऐसे ही खुलवाएंगे? मार्केट खोलने का जब से सरकार ने आदेश दिया है, हम लोगों ने पहले पूरे बाजार को एक तरफ से सैनिटाइज करवाया है और पूरी झाड़ू और साफ सफाई करवाई है और चूना डलवाया है। उसके बाद दुकानों को खोल करके दुकानों को सब सारी दुकानों को सैनिटाइज किया गया, और उसके बाद हमने अपने बाजार के दुकानदारों को ये निर्देश दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति दुकान पर चढ़ेगा उसका हाथ सैनिटाइज किया जाएगा। अगर वो मास्क नहीं लगाए होगा तो दुकानदार उसको मास्क अपनी तरफ से उपलब्ध कराएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और किसी भी प्रकार से हम लोग कोरोना से लड़ाई में सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाज़ार में ना तो भीड़ लगने पाए, ना ही अपनी दुकानों का कूड़ा हम सड़क पर डाल रहे हैं। अपने कूड़े को दुकान पर निकले हुए वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम लोग सीधे कूड़े घर में फेंकवा रहे हैं, और पूरा बाज़ार इसका नियमित पालन कर रहा है पूरे अनुशासन के साथ। और आगे मुझे आशा है कि हमारे बर्तन बाज़ार और बाकी ट्रेड के लोग, सारे लोग जो यहाँ पर हैं, ये पूरी तरह इसका अनुपालन करते हुए अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में सहयोग। लखनऊ यहियागंज में दुकानदारों को बांटे गए मास्क। मेटल मर्चेंट एसोसिएशन लखनऊ की ओर से बांटे गए मास्क। मोहम्मद सिहरान युवा अध्यक्ष हरीश चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में मास्क बांटने के साथ दुकान पर कस्टमर आते ही पहले सैनिटाइज हाथ कराएं, उसके बाद प्रवेश करें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहने की गई अपील। वकत हुसैन की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पावर ऑफ जन अधिकार न्यूज, देश की हकीकत आपकी आवाज।